आप देख रहे हैं वेद संसार। इन दिनों चीनी वास्तुशास्त्र फेंगशुई का ट्रेंड काफी बढ़ चुका है। बता दें कि हमारे भारत में जिस तरह से वास्तुशास्त्र को बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से चीन में फेंगशुई है, जहां भारत में वास्तुशास्त्र के लिए वास्तु देवता और धन के लिए कुबेर देवता की पूजा की जाती है, तो वहीं फेंगशुई के अनुसार घर और दुकान पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से सौभाग्य और सुख में तेजी से बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी यह सवाल नहीं आया कि आखिर कौन थे ये लाफिंग बुद्धा और क्या था हमेशा इनके हंसने का राज? तो दोस्तों, आज वेद संसार आपको इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहा है, तो इस जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, साथ ही आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कहते हैं लाफिंग बुद्धा जो थे वो भगवान बुद्ध के शिष्य थे। भारत के अलावा चीन और जापान में भी भगवान बुद्ध के कई शिष्य हुआ करते थे और उन्हीं में से एक थे होतई। ऐसी मान्यता है कि जब होतई ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लग गए। बस अपनी इसी हंसी के कारण वह लोगों को हंसाते हैं और सुखी रहने की सीख देने लगे। वह जहाँ भी जाते वहाँ पर लोगों को हंसाते रहते थे, और इसी कारण से जापान में लोग उसे हंसता हुआ बुद्धा यानी कि लाफिंग बुद्धा कहने लग गए। देखते ही देखते उनके अनुयायी की संख्या बढ़ती चली गई और पूरी दुनिया के करोड़ों लोग उन्हें मानने लगे। आइए बात करते हैं लाफिंग बुद्धा के चीनी देवता होने पर। वहीं चीन की मान्यता के अनुसार लाफिंग बुद्धा चीनी देवता है, जिन्हें पुताई नाम से भी जाना जाता है। वह एक बौद्ध भिक्षुक थे और उन्हें मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। वह जहाँ भी जाया करते थे वहाँ अपना गोल मटोल शरीर दिखाकर सभी को हंसा दिया करते थे। बस तभी से इन्हें लोग देवता की तरह मानने व पूजने लगे और इनकी मूर्तियाँ घर घर में रखने लग गए। तो दोस्तों, यह था लाफिंग बुद्धा के बारे में। आइए जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने का सही नियम क्या है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर पर रखने से नकारात्मकता खत्म हो जाती है और सकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए ध्यान रहे कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मुख्य दरवाजे के सामने भूलकर भी ना रखें। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा घर या दफ्तर में रखते समय जगह का चुनाव सही होना चाहिए। लाफिंग बुद्धा की ऊंचाई और उन्हें देखते समय बराबरी नहीं होनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा को अगर आप अपने ऑफिस में रखना चाहते हैं तो पूर्व दिशा में ही रखें, जो अपने दोनों हाथों को उठाकर हंस रहे हो। दूसरी ओर अगर आप लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखते हैं तो दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करें, क्योंकि इस दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जो धन और सुख को आकर्षित करती है। घर में रहने वालों की आमदनी भी बढ़ती है। यही नहीं, अगर आपके घर में किसी ने जादू टोना किया है या फिर किसी की बुरी नजर आपके घर के सदस्यों पर पड़ी है, तो आपको ड्रैगन पर बैठे दिव्य शक्तियों वाले लाफिंग बुद्धा अपने घर में रखने चाहिए। धन की पोटली अपने कांधे पर टांगे लाफिंग बुद्धा किसी भी घर या ऑफिस के लिए बहुत ही शुभ माने गए हैं। तो दोस्तों, यह था लाफिंग बुद्धा के बारे में उनके रखने के नियम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है इसे और बेहतर बनाया जा सकता है तो कृपया अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।